दोस्तों, जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसका जीवन धन धान्य से भर जाता है। परंतु कई बार होता है कि इंसान माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करता है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करता है, परंतु फिर भी उनकी कृपा नहीं मिलती और वह अपने जीवन में लाखों प्रयास करने के बावजूद कार्य में सफलता नहीं पाता, उसकी आमदनी कम हो पाती है। यदि आपकी भी यही समस्या है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप भी अपने ऊपर चाहते हैं और चाहते हैं कि सदैव आपका घर धन धान्य से भरा रहे, तो दोस्तों रविवार के दिन बस आप ये खास उपाय कर ली, क्योंकि शास्त्रों में माना गया है इस उपाय को करने से साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। और अगर माँ लक्ष्मी आपसे खुश हो गई तो समझो धन का भंडार आपके घर तेजी से बढ़ने लगेगा और सुख संपन्नता बढ़ती रहेगी। जीवन में सुख समृद्धि और धन कोष को बढ़ाने के लिए रविवार के दिन सर्वप्रथम आप सुबह स्नान इत्यादि कर ले। अब आपको आटे का चौमुखा दीपक बनाना है। ध्यान रहे कि आप इसे केवल घी से ही जलाएं, यानी आपको सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है, घी से आपको यह चौमुखा दीपक जलाना है। अपने आसपास ही कहीं से एक ऐसा पत्ता ढूंढ लाए जो काफ़ी बड़ा हो, जिसमें आप मंत्र लिख सके। और अब आपको ये शक्तिशाली मंत्र उस पत्ते पर लिखना है। दोस्तों, यह मनोकामना पूर्ति का सबसे उत्तम मंत्र है, इसलिए इसे लिखते समय आपको बिल्कुल सही इस मंत्र को लिखना है और मंत्र लिखते समय इसको बोलना भी है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मीये नमः। मंत्र एक बार और सुन लें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मीये नमः। दोस्तों, उस पत्ते पर आप ये मंत्र केसर की सहायता से लिख सकते हैं। केसर या फिर कुमकुम, जो भी आपको मिले, दोनों ही चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप चंदन का प्रयोग भी इस मंत्र को लिखने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। अब आपको अपने आसपास किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर निरंतर जल प्रवाहित होता है। नदी के पास आप चले जाएं बेहतर रहेगा। जो लोग नदी के पास नहीं जा सकते, यानी जिनके आसपास नदी नहीं है, वे लोग शाम के समय, यानी रविवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के पास जाकर इस चौमुखे दीपक को रख सकते हैं। और आपको बस उस पीपल के पेड़ के नीचे उस पत्ते को, जिस पर आपने वह मंत्र लिखा था, गाड़ देना है और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोल देनी है। और जहाँ पर नदी है, वे लोग भी नदी के किनारे पर उस चौमुखे दीपक को रख दें और उस पत्ते को उस नदी में प्रवाहित कर दें और प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी आपके घर आए। दोस्तों, इस मात्र उपाय से जो भी मनोकामना है आपकी पूर्ण हो जाएगी। पत्ता आप कोई भी ले सकते हैं उपाय के लिए, परंतु पीपल का पत्ता अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि पीपल के पेड़ में पूर्ण देवी देवताओं का वास होता है, यानी सभी देवी देवता उस पर वास करते हैं, खासकर भगवान विष्णु। इसलिए पीपल के पत्ते पर आप अगर मनोकामना लिख कर ये उपाय करते हैं, यानी ये मंत्र भी उस पत्ते पर लिख देते हैं, यानी आगे की तरफ आपको मंत्र लिखना है जो मंत्र हमने बताया, और पीछे की तरफ मनोकामना लिखें और फिर जैसा उपाय हमने बताया ठीक वैसे ही करना है। दोस्तों, मात्र कुछ ही देर बाद आप देखेंगे इसका प्रभाव और धीरे धीरे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होने लगेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।